सबसे पहले बात करेंगे चूलकित केस में दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। फिलहाल 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में है दिशा रवि। कोर्ट में सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने जज को दिशा की गिरफ्तारी की वजह बताई है। जज को दिल्ली पुलिस द्वारा टूलकिट मामले को एक्सप्लेन भी किया गया और साथ ही दिशा रवि पर पुलिस कह रही है कि देश की छवि खराब करने का आरोप है। सवाल यही है, आज बेल मिल पाएगी क्या दिशा रवि को? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, एक एक कर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोर्ट में क्या कहा जा रहा है, सरकारी वकील क्या कह रहे हैं और किस तरह से दिशा रवि की जमानत अर्जी का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, कोर्ट में जो बातें हुई हैं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरकारी वकील और दिल्ली पुलिस। तो सरकारी वकील कह रहे हैं दिशा रवि को सह आरोपी के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। आरोपी शांतनु को 22 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। दिशा रवि को 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जज ने यह भी पूछा कि दिशा रवि को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा कहा गया है कि मोह धालीवाल की तरफ से खालिस्तान समर्थक पेज बनाया गया, पीजेएफ ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल किया है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। 11 जनवरी 17 जनवरी और 18 जनवरी को जूम मीटिंग्स हुई। जूम मीटिंग में मोह धालीवाल समेत कई लोग शामिल हुए हैं और साथ ही आस्क इंडिया वाई नाम से हैशटैग शुरू किया गया और टूलकिट में कुछ गलत नहीं था। अगर कुछ भी गलत टूलकिट में नहीं था तो फिर पैनिक क्यों हो गए? ये बात भी, ये सवाल भी दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया। और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा का रुख करेंगे। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास इस वक्त का सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए रीति, इस समय दिशा रवि की जमानत को लेकर के पटियाला हाउस में सुनवाई चल रही है। जो जमानत अर्जी दाखिल की गई थी उसके विरोध में एक एक करके जो पॉइंट वाइज दिल्ली पुलिस जो है अपनी दलीलें अदालत में जज के सामने रख रही है और साफ कर दिया है कि दिशा रवि जो है इसमें इंपॉर्टेंट की प्लेयर है। 22 फरवरी को शांतनु जो कि इसमें दूसरा आरोपी है उसको पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, हालांकि उसको इस समय एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन पुलिस उसके घर पर गई थी, उससे पहले ही वो गायब हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी अंतिम जमानत याचिका लगाई थी जिसको जो कि उसे मिल गई थी। और पुलिस अब शांतनु को नोटिस देकर के 22 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाएगी और दिशा रवि को इसीलिए कल जो पुलिस हिरासत थी उसकी खत्म होने के बाद 3 दिन के लिए भेजा गया था ताकि दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा सके। पुलिस ने यह भी बताया अदालत के सामने कि क्यों दिशा रवि को जमानत दिया जाना इस समय गलत होगा, क्योंकि अगर उसे जमानत दे दी गई तो इसका मतलब यह है कि जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी दिशा रवि जब गिरफ्त से बाहर थी तो उस दौरान भी काफी सारे अहम सबूत जो कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, जूम चैट जो की थी बाकी लोगों के साथ और जो दूसरी जो टूल किट से जुड़ी जो अहम चीजें थी उसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की थी। अगर जमानत मिल जाती है तो वो दोबारा से सबूतों को डिस्ट्रॉय करेगी, इसलिए काफी अहम है कि शांतनु को जब नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया जाए तब उसको दोबारा रिमांड पर लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी आमने सामने बैठा करके, क्योंकि जो टूल किट बनाई गई थी वो शांतनु के जीमेल अकाउंट से बनाई गई थी, जो गूगल डॉक फाइल थी जिसको लेकर के भी गूगल से जवाब मांगा गया है और उसको एडिट करने का जो राइट था वो दिशा रवि के पास था और ये बात दिशा रवि ने शुरुआत में मानी थी कि उसने कुछ पॉइंट्स एडिट किए थे, हालांकि अब वो अदालत के सामने मना कर रही है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको सबूतों के तौर पर सील बंद लिफाफे में पुलिस ने अदालत में जज के सामने दिया है। जी, जैसे कि जज ने भी पूछा, मैं चाहूंगी दर्शकों को और बेहतर तरीके से इस खबर को समझाने के लिए कौन कौन से मामले, कौन कौन सी धाराएं जिन पर, जिनके तहत दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई और दूसरा उनकी जमानत अर्जी में क्या कहा गया है। देखिए, जो धाराएं जो लगाई गई थी, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, जो उसकी साइबर यूनिट है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें देशद्रोह लगाया गया है और साथ साथ दूसरे जो सेक्शन जुड़े हुए हैं, हालांकि अभी मेरे पास वो हैंडी नहीं है कि सेक्शन में पढ़ के सुना सकूं क्योंकि अदालत में ये मामला चल रहा है, लेकिन इसके अलावा ये जरूर है कि जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो गंभीर अपराध की लगाई गई हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। और इसमें ये कोई एक छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है जिसके लिए दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है,
ये तीन लोग थे, दिशा रवि, निकिता शांतनु, जो कि भारत के अंदर थे, और जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी वो भारत से बाहर बैठ करके रची गई थी, एमओ धालीवाल, जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को जो है उसका फाउंडर है, उसकी वाइफ जो है जो कि को फाउंडर है अनिता लाल है, और अनिता लाल जो उसकी को फाउंडर है, और साथ साथ जो दूसरे जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। इसका जो पूरा मकसद था वो यही था कि किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह से भारत को बदनाम किया जाना है। एक सबसे अहम बात इसमें अदिति ये भी है कि जब 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर हिंसा की गई थी, उस दौरान ये लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस किसी ना किसी तरह से किसानों के ऊपर ब्रूटैलिटी करे जिससे कि उसमें लोगों की जाने जाए, और उसके बाद माहौल बना करके एक तरह से ट्विटर स्टॉर्म के जरिए अफवाह फैला करके पूरे दिल्ली के अंदर और आसपास के राज्यों के अंदर दंगे कराए जा सके। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये भी अदिति कि जब जैसे ही 26 जनवरी को ये हिंसा हुई थी उसके तुरंत बाद इस तरह की अफवाह सबसे पहले फैलाई गई थी कि जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो जवान है वो आसपास के राज्यों से आते हैं, ज्यादातर किसानों के बेटे हैं, और उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये एक पहली अफवाह फैलाई गई थी, और उसके बाद एक बड़े मास स्केल के ऊपर अफवाह फैलाई जानी थी ताकि दिल्ली के अंदर साजिश थी। जितेंद्र आप रहिए हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि कैसे देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर जमानत अर्जी पर सुनवाई हो चुकी है और अभी तक क्या क्या हुआ है। तो एक तरफ देश के खिलाफ साजिश का आरोप दिशा रवि पर, तो दूसरी तरफ शिवसेना को लगता है कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ये कह रहे हैं कि दिशा रवि की गिरफ्तारी आपातकाल जैसी। शिवसेना ने यह भी कहा कि 20 साल की लड़की से देश को खतरा कैसे हो सकता है, ये संजय राउत पूछ रहे हैं और वो चाहते हैं इस पर चर्चा। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लाई थी तो इंदिरा जी ने कहा था कि इमरजेंसी है, इंदिरा गांधी ने बोलकर इमरजेंसी ऑफिशियल राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर से इस देश में आपातकाल की घोषणा की। आज का आपातकाल जो है वो इंगित भाषा में आपने जो कहा ना वो कि आपातकाल तो है लेकिन उसका खुला या जाहिर तरीके से उसको घोषणा नहीं, इस प्रकार की घटना हमारे सामने आ रही है। अब देखिए गृहमंत्री जी का हमने बयान देखा है, जो कार्रवाई एक्टिविस्ट पर हो रही है उसका समर्थन गृहमंत्री जी ने किया है, वो सरकार की भाषा है। सरकार को अगर लगता है ये 20 साल के जो बच्चे हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे देश को खतरा है, तो क्या हमारा देश इतना बड़ा इतना कमजोर हो गया क्या? 10 12 15 20 साल के बच्चों से भी हमको देश को खतरा हो गया है? उस बारे में देश में खुली बहस होनी चाहिए। तो शिवसेना के संजय राउत सवाल पूछ रहे हैं कि 20 साल की लड़की से देश को कैसा खतरा हो सकता है। वैसे भारत की कानूनी प्रक्रिया में ग्रेटा थनबर्ग बार बार हस्तक्षेप क्यों करती है, क्यों बार बार पूरी दुनिया में ग्रेटा को भारत में ही सारी तकलीफें परेशानियां दिक्कतें दिखाई देती हैं? उनके ट्वीट ये बताते हैं कि उन्हें भारत ही नहीं यहाँ के समाज और लोगों की भी नहीं बल्कि अपने एजेंडे की चिंता है। ग्रेटा पर्यावरण का सहारा लेकर भारत में टूल किट के जरिए जो विरोधी इंटरनेशनल एजेंडा चला रही है, प्रोपेगेंडा चला रही है, उसका मकसद समझना भी आपके लिए यहां पर जरूरी। आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट दिखाई दे रहा है उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस ट्वीट में समर्थन है साजिश के पक्ष में। देश विरोध में उठाए गए कदमों का समर्थन इस ट्वीट का अक्षर अक्षर कर रहा है। देश को बांटने वालों के पक्ष में अब पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग खड़ी हुई है। उन्होंने ट्वीट कर फिर से भारत को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, और ऐसा पहली बार कतई नहीं हो रहा। अपने ट्वीट में स्टैंड विद दिशा रवि के हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए थनबर्ग ने फिर एक बार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर अपनी अभिव्यक्ति आजाद की है। अब ऐसा 19 फरवरी को ही क्यों किया गया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि थनबर्ग ने ट्वीट में क्या लिखा था। अभिव्यक्ति की आजादी
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और जनसभा करना मानवाधिकार है, ये किसी भी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। #StandWithDisha। अब जान लीजिए कि ये ट्वीट 19 फरवरी को ही क्यों आया। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने कोर्ट से कहा है कि वो 22 फरवरी को दिशा रवि के साथ सह आरोपी निकिता जैकब और शांतनु को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। अब इनके इसी ट्वीट से जुड़ी एक और जानकारी, ग्रेटा थनबर्ग ने जिस ट्वीट को रिट्वीट कर अपना ट्वीट लिखा वो है फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया। अब आप इस ट्विटर हैंडल के बारे में भी जान लीजिए। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा 2018 में शुरू किए गए FFF यानी कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर छात्रों को हर शुक्रवार को हड़ताल करने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। इस संगठन का इंडिया चैप्टर 1 साल बाद यानी कि 2019 में शुरू किया गया था। हालांकि शुरुआत में इस संस्था ने अपनी शुरुआत जलवायु के मुद्दों पर काम करने वाली एक संस्था के रूप में की थी, लेकिन फिर वॉलंटियर्स जल्द ही राजनीतिक बयान देने लगे। FFF यानी फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया ने CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और हाल ही में किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोग हिंसा को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। अब इन सारी बातों के बीच सवाल यही कि भारत की कानूनी प्रक्रिया में ग्रेटा थनबर्ग क्यों बार बार हस्तक्षेप करती है? पर्यावरण का सहारा लेकर वो भारत में टूलकिट के जरिए कब तक भारत विरोधी इंटरनेशनल एजेंडा चलाती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओदिशा रवि की बेल की अर्जी पर, उनकी जमानत अर्जी पर जो इस वक्त सुनवाई चल रही है, उससे जुड़े अपडेट्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।